भाई कौन कहता है कि रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं। जिस किसी को भी ये भ्रम है, कानपुर टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पहली पारी देख लीजिए। अगर आपने टीवी पर वो लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा, हाइलाइट्स देख लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। रोहित शर्मा ने अभी भी T20 क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है। जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब वो उन्होंने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेल लिया है, अब वो टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर फोकस करेंगे। लेकिन नहीं रोहित, आप तो टेस्ट क्रिकेट में भी T20 का मजा दे रहे हैं, आप तो टेस्ट क्रिकेट में भी T20 से भी बढ़िया पारी खेल रहे हैं, बल्कि T10 वाली पारी खेल रहे हैं। बांग्लादेश के पहली पारी में रोहित शर्मा ने गजब का इंटेंट पेश किया। रोहित शर्मा ने कहने को सिर्फ 23 रनों की पारी खेली, लेकिन वो पारी निकली केवल 11 बोलों पर। जी हां, इन 11 बोलों में रोहित शर्मा ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। 3 छक्के उनके बल्ले से निकले, एक चौका उनके बैट से निकला और 210 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 210 का स्ट्राइक रेट। भैया आंधी लगा दी रोहित शर्मा ने। जिस तरीके की बल्लेबाजी की, वाकई में दर्शनीय था, काबिले तारीफ था। बांग्लादेशी गेंदबाज थर थर कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि मैदान के किस कोने में जाके अपना मुंह छिपाएं। वाकई में रोहित शर्मा ने जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की और जिस तरीके से रोहित शर्मा के इंटेंट को बाकी खिलाड़ियों ने कैपिटलाइज किया, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वाकई में देखने लायक था। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा दुनिया के ऐसे चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खाता छक्के के साथ खोला और लगातार अपनी पहली दो बोलों पर छक्के लगाए। क्या है रिकॉर्ड, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में अपनी शुरुआती दो गेंदों पर छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा दुनिया के चौथे और भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में जो टॉप पर नाम आता है वो आता है फॉकी विलियम्स का, जिन्होंने 1948 में जिम लेकर के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। फॉकी विलियम्सन इंग्लैंड के एक प्लेयर थे। नंबर दो पर नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, क्रिकेट के भगवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में साल 2013 में नाथन लियोन के खिलाफ लगातार दो बोलों पर दो छक्के जड़े थे, अपनी पहली दो बोलों पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर उमेश यादव का नाम आता है, जिन्होंने 2019 के टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे के खिलाफ अपनी शुरुआती दो गेंदों पर दो छक्के जड़े थे। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने खालिद अहमद के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच की पहली पारी में अपनी शुरुआती दो गेंदों पर दो छक्के जड़े। साथ ही रोहित शर्मा टेस्ट पारी में पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। जो पहला नाम आता है वो MS धोनी का आता है, जिन्होंने साल 2006 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पेड्रो कॉलिस की गेंद पर छक्का लगाया था। दूसरे नंबर पर जहीद खान का नाम आता है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2012 के बेंगलुरु टेस्ट में टीम सऊदी के खिलाफ छक्का जड़ा था। फिर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में नाथन लियोन को पहली बॉल पर छक्का लगाया था। और फिर रोहित शर्मा, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में खालिद अहमद को पहली बॉल पर गगनचुंबी छक्का लगाया। भाई कमाल करते हो हिटमैन यार, टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा अब तक 87 छक्के लगा चुके हैं, यानी कि वीरेंद्र सहवाग का जो 91 सिक्सेस का टीम इंडिया की ओर से रिकॉर्ड है वो बस अब बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि 16 तारीख से टीम इंडिया को न्यूजीलैंड की मेजबानी करनी है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और जो इंटेंट रोहित शर्मा ने दिखाया है, पेश किया है, वो दिखा दिया है कि आने वाली सीरीज में न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया को बच के रहना पड़ेगा। आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए रोहित को कैसे आउट करना है, क्योंकि रोहित शर्मा गजब की फॉर्म में है और अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। सेल्फलेस नॉक एक बार फिर से रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिली और मैं तो अभी भी कहूंगा कि भाई क्यों रिटायरमेंट ले T20 क्रिकेट से, वापस आ जाओ। जो भी लोग ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा एक बार फिर से T20 इंटरनेशनल में वापस आ जाएं, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।